तो अभी हमारी बाइक स्टार्ट है, लेकिन इसका जो लो बीम है वो नहीं चालू है, हाई बीम कर रहे हैं। तो हाई बीम की हेडलाइट जो चल रही है, लेकिन लो बीम जैसे ही कर रहे हैं इसकी हेडलाइट बल्ब जो है वो बंद है। ये देखो बंद है, ये देखो बंद है, नहीं जल रहा है। और इसका हेडलाइट बल्ब ये रहा, तो इसमें कमी है या किसी और पे कमी है वो आगे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और ये देखो इसका जो हाई बीम और लो बीम दोनों चालू हो गया, तो आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी इसकी हेडलाइट में प्रॉब्लम आखिर क्या हुई है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो BS6 FI वाली बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम है हेडलाइट की। इसकी जो हेड लाइट है वो एक पॉइंट बंद है और दूसरा चालू है, मतलब लो बीम जो है वो बंद है, हाई बीम चालू है। तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को सबसे पहले हेडलाइट इसकी दिखा देते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं इसमें आखिर प्रॉब्लम हुई क्या है। तो चलो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी बाइक स्टार्ट हो गई, अभी देखो स्टार्ट होते इसकी हेडलाइट चालू हो जानी चाहिए, बट इसकी जो हेडलाइट है वो बंद है। और यहाँ से अगर हम हाई बीम करते हैं तो हाई बीम इसका प्रॉपरली जल रहा है, लेकिन जैसे हम इसे लो बीम पे डालते हैं बाइक की हेडलाइट नहीं जलती है। ये देखो, तो ऐसी प्रॉब्लम है। तो चलो इसके लिए हमको इसका जो वाइजर है वाइजर खोलना पड़ेगा। वाइजर के सारे स्क्रू जो हैं वो मैंने खोल दिए हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका जो वाइजर है वो कैसे खोलना है। तो इसकी जो हेडलाइट की प्रॉब्लम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चलो इसका जो वाइजर है वो बाहर निकाल लेते हैं, स्क्रू बताऊँगा मैं आगे आप लोगों को कि इसका वाइजर खोलना कैसे है, वो मैं सारी जानकारी दूंगा। बस आप लोग वीडियो पे बने रहना और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इसका जो वाइजर अब हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसे बाहर ये हमारा वाइजर निकल गया। इसमें होता हमारा हेडलाइट का बल्ब, पहले होल्डर निकालना है, अब निकालते हैं इसका हेडलाइट बल्ब। यहाँ पे लगा होता है जो रबर लगी होती है, इसे पहले निकाल लेना है कुछ इस तरीके से खींच के, ये रबर निकल गई। अब यहाँ पे हमारा एक लॉक होगा जो हेडलाइट बल्ब को रोकता है, तो उसे भी हमको निकाल देना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करके और इसे आगे की तरफ ले जाएंगे तो लॉक निकल जाएगा और बल्ब बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाएगा। हेडलाइट का जो बल्ब है वो तो हमने निकाल लिया है, चलो इसको चेक करते हैं, देखते हैं इसके स्प्रिंग में प्रॉब्लम है या कोई वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो पहले हेडलाइट बल्ब की जांच कर लेते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर वाली जो स्प्रिंग लगी हुई उसकी स्प्रिंग जली हुई लग रही मुझे और नीचे वाली स्प्रिंग बिल्कुल सही लग रही है। ये देखो नीचे वाली स्प्रिंग बिल्कुल सही लग रही, ऊपर वाली स्प्रिंग में शायद प्रॉब्लम है। तो चलो क्या करते हैं, नया हेडलाइट बल्ब जो है इसमें लेते हैं और लगाते हैं। तो ये है नया हेडलाइट बल्ब, आप लोग देख लो फोनिक्स का है और इसका जो वाट है वो 35-35 वाट है और इसकी MRP वगैरह भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। चलो इसे पहले हम खोल के निकालते हैं और इसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद इसका जो हेडलाइट बल्ब है वो लगाते हैं और देखते हैं हमारी हेडलाइट की जो बल्ब की प्रॉब्लम थी अपर और डिपर, लो बीम और हाई बीम की, वो सही हुई या नहीं। तो नया हेडलाइट बल्ब है, तो चलो इसे फिटिंग करते हैं हेडलाइट में और हेडलाइट चालू करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बल्ब लगा लेते हैं, यहाँ पे 3 खांचे होते हैं जो प्रॉपरली हेडलाइट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बल्ब बैठा दिया, अब इसका लॉक लगा देना है, लॉक लग गया और अब इसकी रबर जो है वो बहुत अच्छे से बैठा लेना है, क्योंकि अगर आप रबर अच्छे से नहीं बैठा रहे हो तो आपके जो हेडलाइट में पानी जा सकता है और उस वजह से क्या होगा कि आपकी जो हेडलाइट है वो भी ख़राब हो जाएगी और बल्ब है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो ये रबर लगी होती है बहुत ज़रूरी होती है रबर लगाना। तो अभी हमारा हेडलाइट बल्ब लग चुका है, अब हम लगाते हैं इसका जो होल्डर, यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो वाइजर है कंप्लीट फिटिंग कर देते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। चाबी ऑन करके बाइक को स्टार्ट करते हैं, वाइजर तो हमने फिटिंग कर ही लिया है, अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। ये देखो ये 4, इसमें 6 स्क्रू टोटल रहते हैं वाइजर के, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, पहले सारे स्क्रू लगा लेता हूँ और अब बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। बाइक को स्टार्ट करते हैं उसके बाद इसकी जो हेडलाइट है वो आप लोगों को दिखाते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी डाउन है। अभी हमारी चालू हो गई, अभी देखो मैं इसकी जो हेडलाइट है वो देखो सामने, देखो आप अपर डिपर में यहाँ से करता हूँ, ये देखो लो बीम और हाई बीम दोनों चालू हो गया, पहले लो बीम बंद था हाई बीम चालू था, अभी हाई बीम और लो बीम दोनों चालू हो चुका है। ये देखो हाई बीम और लो बीम दोनों जल रहा है, तो हमारी जो हेडलाइट की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है। क्या खराब था, हेडलाइट बल्ब। चलो इसका वाइजर खोलना कैसे वो बता देता हूँ। अब देखो स्क्रू आप लोग देखना, इसमें एक स्क्रू इस जगह पे है और दूसरा स्क्रू है इस जगह पे,
ये हमारे दो हो गए, आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। वाइजर इसी तरीके से खोलना है, दो स्क्रू आगे मिलेंगे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर प्लेट के ऊपर इन अंदर, ये देखो, ये देखो, ये देखा, चार हो गए। अभी दो इस साइड में है, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। ये छह स्क्रू से आपका जो वाइजर है वो पूरा कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। तो सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी किस तरीके से वाइजर खोलना और हेडलाइट का बल्ब चेंज करना है। बाकी चलो ये वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।